हे गाइज, वेलकम बैक। मैं हूँ रीना और आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर पकौड़े की रेसिपी। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पकौड़े बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर ली है और इसको कर लेंगे कट। आप अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पनीर को इस तरह से लंबाई में कट कर ली है, इस तरह से हमने कट की है। और कट करने के बाद इसको कर लेंगे मैरिनेट। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक बड़ी से बर्तन ले ली है और इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच फ्रेश दही। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और दही डालने के बाद इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। साथ ही में जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती, इसके जगह पे कस्तूरी मेथी भी आप ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जाएगा 1/2 नींबू का रस, ताकि हमारा पनीर पकौड़ा और भी चटपटा बने। वापस से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद धीरे धीरे करके सारे पनीर को इसमें ऐड कर देना है और हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ताकि पनीर के ऊपर अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पे हमने पनीर को अच्छे से मिक्स कर दी है, इसको साइड में रहने देते हैं, तब तक पकौड़े के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच के करीबन बेसन ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो नमक हमने पनीर में भी ऐड की है, तो उस हिसाब से नमक ऐड करना है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में जाएगा 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से बैटर बना लेना है स्मूथ सा। तो बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे गरम तेल, ताकि हमारा पकौड़ा और भी क्रिस्पी बने। मिक्स कर देंगे वापस से, इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमने ले ली है कॉर्नफ्लेक्स, इसको इस तरह से हाथों से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लेक्स को भी अच्छे से क्रश कर ली है और हमारा पनीर भी मैरिनेट हो गया है। तो धीरे धीरे करके सारे पनीर को इसमें डाल देंगे और इस तरह से बैटर में अच्छे से इसको डिप कर देंगे और एक्स्ट्रा बैटर को निकाल देंगे और कॉर्नफ्लेक्स में इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे चारों साइड से। इस तरह से कोट कर लेना है, चारों साइड से कोट कर लेंगे अच्छे से। सारे पनीर को इसी तरह से कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे पनीर को इसी तरह से कर ली है। तो इसको अब फ्राई करने की बारी आती है, तो चलिए पकौड़े को फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे हमने रख दी है तेल गरम होने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को, मीडियम गरम ही रखना है और गैस का फ्लेम भी मीडियम टू लो पे ही रखना है। और धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे पकौड़ों को। तो हमने पकौड़े को डाल दी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे एक साइड से हमारा पकौड़ा गोल्डन हो गया है, तो इसको हल्के हाथों से पलट देंगे इस तरह से और दूसरे साइड से गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी पकौड़ा हो गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और सारे पकौड़ों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमने सारे पकौड़ों को इसी तरह से फ्राई कर ली है। तो चलिए गर्मा गर्म पनीर पकौड़ों को सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गर्मा गर्म पनीर पकौड़े को सर्व कर दिए। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकौड़ा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अंदर से सॉफ्ट है हमारा पकौड़ा। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।